हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 7 बजे हैं तो मैं ना मक्खी का जो छाता होता है ना, पता नहीं क्या बोलते इसको, इसको खेत में रखने आई थी। वैसे तो भैया है नेपाली, वो लाते हैं, पर आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले जाती हूँ इसको। तो मुझे ना ये जो नेपाली लोग जो सिर पे बांधते हैं ना वो रस्सी, उस पर तो एडजस्ट करना नहीं आया, फिर मैं इसको ऐसे ही कंधे पे उठा के लाई। तो कल के लिए अब सीख के रखूंगी। तो फ्लावरिंग भी कुछ इस तरह से हो ही गई है, मतलब कि हो भी गई है, हो भी रही है, हुई भी नहीं है कहीं, ऐसा चला है आजकल। तो शौर्या आज शांत है बाल काट के, तो वो है घर पे। अभी मैं उसको बोल के आई हूँ कि मैं अभी आऊंगी, अब वो टीवी देख रहा था। और ये देखो कितना छोटा पौधा है बेचारा। ये तो फल अगर लगेंगे तो उनके बोझ के तले दब जाएगा। अब घर जाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी। करूँगी क्या, अभी तो बनाया ही नहीं है, ब्रेकफास्ट बनाना है। और फिर शौर्य को करवाऊंगी सफाई करने को है। देखो सफाई भी आज जो मामा जी है हमारे ना, तो वो नानू का चबरखा है आज, तो लंच को तो उधर जाएंगे, पर जो भी आएंगे मासियों वगैरह और कोई भी रिश्तेदार वगैरह वो जरूर बैठ के जाएंगे। तो कल हम लोग जैसे रामपुर गए थे ना, तो मतलब मैंने ना कम से कम 4-5 जोड़ी कपड़े निकाल के रखे हैं ऊपर अपने शौर्य के, सबके वैसे ही है। मैं डिसाइड नहीं कर पाई क्या पहनूं, फिर मैंने वही पहना। मैंने सोचा जो शौर्य के मुंडन के दिन मैंने सूट पहना था वाइट सा, फिर मैंने सोचा कि वॉश भी नहीं किया था मैंने एक बार पहन के, मैं सोचो भी पहन लेती हूँ। तो अब कपड़े तो नहीं धोऊंगी आज, बस ये झाड़ू झूड़ू करूंगी घर पे। तो बैसाखी भी चली गई है, अब तो भाई कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा, अब हम घर में ही हैं समय तक। थोड़ा ही बचा है घर पहुंचने को, जाती हूँ घर, मिलती हूँ आपको घर में, बाय बाय। घर पहुंचने के बाद जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, और फिर डेविड भी आ गए थे, इनके साथ मामा जी वगैरह आए थे, और मासी और मासी का बेटा था, दूसरे वाले मासी का बेटा, वो भी पहुँचे। फिर कॉफ़ी वगैरह बनाई इनके लिए, और वो फिर वो लोग निकल गए थे। फिर मैं नहाई, और फिर उसके बाद 12:30 बजे हम लोग भी घर से निकल गए थे। और शौर्य हमेशा की तरह कि मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग जा रहे हैं चबल नानू के जोर से मारो, जोर से। अच्छा भाई जी, अंकित का फोन आया था ना, मैंने व्हाट्सएप किया उसको जी, चली पानी आ गए। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। 1 बजने वाला है, बज ही गया होगा लगभग। हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, आज नानू का चबरखा है मामा जी के घर। अभी जंगलों के जा रहे हैं, वादियां दिखाती हूँ आपको, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं मेरे पीछे। Yeah,
आजा मामा पास आजा मामा काई करेंगे फिर आजा बोलो ना डेविड ने जो है ना गाड़ी रखी थी गांव वाले मतलब रोड आता है गांव होके तो गांव वाली साइड से तो खुद आए थे ये पहले भी यहीं से पैदल और फिर अभी भी हम लोग यहीं से पैदल आए क्योंकि अच्छा है ये रास्ता ठंडा ठंडा सा सही रहता है। और यहाँ पे हो मतलब कि पूजा वगैरह हो रही थी चबरके में तो मामू मामू बैठे थे और ये पंडित जी तीन पंडित जी थे और जो खड़े हैं ये भी मामू हैं जो बैठे हैं वाइट सी बनियान में ये भी मामू हैं। काफ़ी टाइम पूजा में बैठने के बाद जो है जो भी पंडित जी को दान वगैरह देते हैं वो सब कुछ हो गया था फिर उसके बाद हम लोग बैठे लंच करने। लंच करने के बाद थोड़ा सा मौसम खुला और रेनबो था यहाँ तो मैंने थोड़ी सी वीडियो ली और शौर्य को भी दिखाया और हल्की हल्की धूप लगी और उसके बाद हम लोग जो है घर आ गए। चबरके में जो है ना खाना खुना खाने के बाद हम लोगों ने चाय वाय पी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बारिश हुई धूप लग रही थी और बारिश भी हुई बहुत तो उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय पी काफ़ी टाइम तक बैठे आग वगैरह सेकी और फिर घर आ गए। घर आने के बाद जो है डेविड और शौर्य दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे तो डेविड तो पहले दिन से ही वहीं पर थे तो सुबह भी जल्दी उठ गए थे शायद रात को भी लेट सोए होंगे सब्जी वब्जी काटने के बाद सारे ही होते हैं मतलब गाँव वाले जैसे सभी इकट्ठे मिलके सब्जियां काटते हैं प्याज वगैरह जो भी सुबह की प्रिपरेशन होती है जल्दी ताकि लंच जल्दी बने तो थक गए थे। फिर घर पहुंच के उन्होंने ना तो डिनर किया ना तो कुछ और शौर्य अभी थोड़ी देर टीवी देखते देखते मैं तो दूध लेने चली गई जब तक दूध लेके वापस आई तब तक शौर्य भी सो गया और फिर दोनों ही जल्दी सो गए थे। फिर मेरे को भी भूख वगैरह तो नहीं थी कुछ भी फिर मैं किचन में बैठी थी दूध वगैरह बर्तन वर्तन पड़े हुए थे धोने को दूध बॉयल करने को और मैं तो 10 बजे तक वहीं बैठी कम से कम 7:30 बजे तक सो ही गए थे। और एक्चुअल जो है मैं पिछला व्लॉग एडिट कर रही थी जो एडिट तो कर दिया था पर मेरे फ़ोन पे ना सेव नहीं हो रहा था सेव करने के लिए मैंने उसको 4 बार सेव किया 4 बार रख लो आपकी अगर आधा आधा घंटा भी लगाया होगा ना सेव होने में तो मेरे तो बज गए थे 10-11 बज गए थे सेव करते करते ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है आज भी देखती हूँ अगर प्रॉब्लम आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं व्लॉग को यहीं पे क्लोज करूँगी मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।